हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के नीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने इसके अलावा अदर चैप्टर नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्ले का लिंक मिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के अंदर टोटल जो है वो नाइन्टी फाइव क्वेश्चन है लास्ट थर्टी थ्री ईयर्स के अंदर जो आ चुके हैं सभी नाइन्टी फाइव क्वेश्चन हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले अगर आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए प्योर एन बेस्ड फॉर नीट एग्ज़ाम तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक है द टिश्यूज से और यहां से हमारा नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया फ्लोयम इन जिम्नोस्पम लेक्स यानी जो जिम्नोस्पम के अंदर फ्लोयम होता है उसके अंदर क्या चीज नहीं प्रेजेंट होती है बोथ सीवी ट्यूब एंड कंपेनियन सेल एल्ब्यूमिनस सेल एंड सीवी सेल्स सी वी ट्यूब ओनली या फिर कंपेनियन सेल्स ओनली तो एबसेंट पूछा है हमें जिमनोसपम के अंदर लेग्स पूछा है तो यहां पर सी वी ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों ही जो है वो जिम्नोसपम के अंदर नहीं मिलती है इनकी जगह यहां पर एल्यूमिनियन सेल्स एंड सी वी सेल्स मिलते हैं ओके तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं टू यहां पर पूछा गया है रीजनरेशन ऑफ डेमेज ग्रोविंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू यानी जो ग्रास होता है उसके अंदर रीजनरेशन किस वजह से होता है मेनली लेटरल मेरिस्टेमेटिक एपिकल मेरिस्टेमेटिक इंटर कैलरी मेरिस्टमेटिक या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक तो मेनली जो ग्रासेस के अंदर रीजनरेशन होता है वो किसकी वजह से होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक की वजह से होता है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया ट्रेकिड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रेकरी एलिमेंट्स इन जो ट्रेकिड्स होते हैं वो अदर एलिमेंट से डिफर होते हैं किस वजह से होते हैं हैविंग कैसपेरियन स्ट्रिप बींग इम परफोरेटिड लैकिंग न्यूक्लियस या फिर बींगलिग्नीफाइड तो यहाँ पर जो ट्रैकिड्स होते हैं वो इम परफोरेटिड होते हैं तो यहाँ पर ये यह क्या है जो ट्रैकिड्स हैं यहाँ पर इम परफोरेटिड होते हैं इसीलिए सभी से अलग होते हैं बाकी सभी क्या होते हैं परफोरेटेड होते हैं ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्रिथ ऑफ ट्री ट्रंक इज़ यानी कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है रिस्पॉन्सिबल ग्रिथ के अंदर यानी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक लेटरल मेरिस्टेमेटिक फेलोजन या फिर एपिकल मेरिस्टेमेटिक यहाँ पे मेनली कौन सा रिस्पॉसिबल है लेटरल मेरिस्टेमेटिक रिस्पॉन्सिबल है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पूछा गया है जिम्नोसपम आर ऑल्सो कोल्ड द सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स बिकॉज दे लेक जिम्नोसपम को सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स भी बोला जाता है क्यों बोला जाता है उनमें क्या चीज़ नहीं प्रेजेंट होती है कैम्बियम फ्लोयम फाइबर थिक वॉल वॉल्ट्रैकिड्स या फिर जाइलम फाइबर तो आपको याद रखना है कि जो जिम्नोसपम होते हैं उनके अंदर जाइलम फाइबर भी नहीं होती है और वैसल्स भी ओके नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर जो है वो सिक्स है क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा गया कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद जो कंपेनियन सेल्स होते हैं फ्लोइम के अंदर वो क्लोजली एसोसिएटेड किसके साथ होते हैं सीवी एलिमेंट वैसल एलिमेंट्स ट्राइकोम्स या फिर गार्ड सेल के अंदर तो वो ज़्यादातर क्लोजली एसोसिएटेड किसके साथ होते हैं सीवी एलिमेंट्स के साथ में तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर सेवंथ में पूछा गया फंक्शन ऑफ द कंपेनियन सेल इज़ यानी हमें बताना कि कंपेनियन सेल का फंक्शन क्या है प्रोवाइडिंग एनर्जी टू सी एलिमेंट्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडिंग वाटर टू फ्लोयम लोडिंग ऑफ सुक्रोज इं टू सी वी एलिमेंट्स बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर लोडिंग ऑफ सुक्रोज इंटू सी वी एलिमेंट्स तो सिंपल है लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीवी एलिमेंट्स जो है उसके द्वारा और ये पैसिव नहीं होता ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसीलिए जो सी है वो नहीं आएगा केवल यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेटरल मैरिस्टेमेटिक इनमें से कौन सा एक लेटरल मैरिस्टेमेटिक नहीं है इंटरफेशिकुलर कैंबियम इंटरफेशिकुलर कैंबियम फेलोज़न या फिर फे इंटरकैलेरी मेरिस्टेमेटिक तो जो इंटरकैलेरी मेरिस्टेमेटिक होती है वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक के अंदर आती है लैटरल के अंदर नहीं आती तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी ओके नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर नाइन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ तो जाइलम इन जिम्नोस्पर्म आर यानी चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट बताना है जाइलम के अंदर बट जिम्नोसपम के अंदर बताना है एनजीसपम के अंदर नहीं तो वहाँ पर ऑप्शन दिए गए वैसल्स फाइबर्स ट्रांसफ्यूजन टिश्यू या फिर ट्रेकिड्स तो देखिए एक्चुअल में जो जिम्नोसपम होता है वहाँ पे वैसल्स तो होती नहीं वैसे तो वैसल्स जो होता है वो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट होता है जाइलम के अंदर बट जिम्नोसपम पूछे वहाँ पे वैसल्स तो होती नहीं तो वहाँ पे मेन कौन होगा आपका ट्रेकिड्स होगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर टेंथ में पूछा गया ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट टेक प्लेस थ्रू यानी जो फूड मटेरियल होता है हायर प्लांट्स में वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है कंपेनियन सेल ट्रांसफ्यूजन टिश्यू ट्रैकिड या फिर सी वी एलिमेंट्स या रखना वो ज्यादा किसके द्वारा किया जाता है वो सीवी एलिमेंट्स के द्वारा किया जाता है इसलिए पे न्यूक्लियस नहीं होती है ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो इलेवंथ है क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ में पूछा गया लेंथ ऑफ द डिफरेंट इंटरनोड इन ए कलम ऑफ सुगर केन इज वेरिएबल बिकॉज ऑफ द यानी जो सुगर केन होता है सुगर केन की जो कलम होती है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इंटरनोड मिल सकते हैं हमें मतलब साइज उनका डिफरेंट हो सकता है वो किस वजह से होता है साइज ऑफ लीफ लेमिना एट द नोड बिलो ईच इंटरनोड इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक की वजह से सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक से या फिर पोजिशन ऑफ एक्जरी बर्ड से तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट होता है उसका मेन रीजन होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक जहाँ पे होगी वहां पे आपका एक नोट बन जाएगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में पूछा गया ए कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ वैसल एलिमेंट्स एंड सी वी ट्यूब एलिमेंट इज कॉमन फीचर बताना है जो वैसल एलिमेंट के अंदर और सीवी ट्यूब एलिमेंट के अंदर होता है डरी वॉल पोर्स ऑन लेटरल प्रेजेंट ऑफ पी प्रोटीन तो बता दू चाहे आपकी वैसल्स हो और चाहे सीवी ट्यूब एलिमेंट हो दोनों के अंदर ही जो न्यूक्लियस नहीं मिलती है तो वो ई न्यूक्लियर कंडीशन दोनों में सेम रहेगी आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन में पूछा गया था एपिकल मेरिस्टेमेटिक ऑफ द रूट इज प्रेजेंट इन एपिकल मेरिटेमोट रूट में काफी प्रेजेंट होती है ऑनलिन रेडिकल ओनलीन टेप रूट ऑनलिन एडवेंटिस इन ऑल द रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक ऑफ रूट कहाँ पे प्रेजेंट होती है सिंपल है सभी रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती है चाहे वो आपका रेडिकल हो चाहे टेप हो चाहे नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर जो है वो है फोर्टीन यहाँ पे पूछा गया क्लोरेनकाइमा काइमा कोलन कायमा नहीं है ये इस ध्यान से सुनिए क्लोरन कायमा है इज नोन टू डेवलप इन द ये किसके अंदर डेवलप होगी क्लोरन कायमा है ध्यान से पढ़ लेना कोलन कायमा नहीं है हमने पेरन कायमा कोलन कायमा और उस कायमा पढ़ा है बट ये क्लोरैन कायमा है ऑफ क्लोरेला माइसीलियम ऑफ ए ग्रीन मोल्ड सच एज एस्परजीलस स्पोर कैप्सूल ऑफ ए मोस्ट या फिर पोलन ट्यूब ऑफ द पाइनस तो क्लोरेन काइमा जो वो कहाँ पे डेवलप होगी क्लोरेन काइमा एक तरह से ये मान लीजिए कि पैरन काइमा जो होता है उसी का एक अलग फॉर्म होता है और ये जो वो फोटोसिंथेसिस के अंदर मदद करता है तो यहाँ पे जो मोस के स्पोर होते हैं जो कैप्सूल होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस आउटर मोस लेयर होती है तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी एट द स्पोर कैप्सूल ऑफ ए मोस तो क्लोरन काइमा वहाँ पर मिलेगी हमें ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 15 है वो फिफ्टीन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में पूछा गया था सेल्स ऑफ द क्वीसेंट सेंटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय जो क्विसेट सेंटर के अंदर जो सेल्स से है उसका किससे करेक्टराइज करेंगे क्या होगा उसके अंदर हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हैविंग लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्ली डिवाइडिंग रेगुलरली टू एड द कॉर्पस या फिर डिवाइडिंग रेगुलरली टू एड टू ट्यूनिका अब देखिए क्विसेंट स्टेज हमने पढ़ा था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में उसका मतलब होता है जहां पर सेल डिवाइड नहीं कर रहा क्विसेंट सेंटर सेल के अंदर एक ऐसे सेंटर होता है जो क्या होता है फिर उस डिवाइड नहीं करता उस सेल को डिवाइड नहीं होता है तो वो जो सेल डिवाइड नहीं हो रहा है वहां पर जो वो लाइट साइटोप्लाज्म होगा और स्मॉल न्यूक्लियर होगा अगर वहां पर डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा तो वो फिर फर्दर डिवाइड करने लगेगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है वेसल्स आर मल्टी सेलुलर विद वाइड ल्यूमन ट्रैकिड्स आर मल्टी सेलुलर विद नैरो ल्यूमन वेसल्स आर यूनी सेलुलर विद नैरो ल्यूमन या फिर ट्रैकिड्स आर यूनी सेलुलर विद वाइड ल्यूमन तो सिंपल से समझिए वेसल्स जो होती है वो मल्टी सेलुलर विद वाइड ल्यूमन हो सकती है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट लिखी हुई है

All angiosperm and some gymnosperm, most of the angiosperm and few gymnosperm, all angiosperm, all gymnosperm and some pteridophyte. या फिर ओल्ड टेरिडोफाइट ओल्ड जिम्नोसपम के अंदर तो नहीं हो सकती है कभी भी ओल्ड टेरिडोफाइट्स के अंदर भी वैसल्स नहीं मिलते हैं बट वहाँ पर इतने ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द एनजीओस के अंदर मिल सकते हैं और बहुत ही कम जो है वो जिम्नोसपम के अंदर हमें वैसल्स मिल सकते हैं कुछ एक एग्जाम्पल एक हो सकते हैं तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है एट मेचोरटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉ न्यूक्टेड मेच्योरिटी पे कौन सा जो वो नॉन न्यूक्लेटेड होगा पहली सेड सेल कॉर्टिकल सेल सीवी सेल या फिर कंपेनियन सेल तो जो सीवी सेल्स होगा वो मेच्योरिटी पे क्या हो जाएगा नॉन न्यूक्लेटेड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी

आता है जहाँ पे बार बार डिवाइड करना पड़ता है तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा सेल्स जो वो टोटी पोटेंशियल शो करेगा सीवी ट्यूब्स जाइलम वेसल मेरिस्टेमेटिक या फिर कोर्स सेल तो मेरिस्टेमेटिक जो है वो ज़्यादातर टोटी पोटेंशियल शो करेगा वो भी डिवाइड करेगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में पूछा गया बॉर्डर पिट्स आर फाउंड इन जो ज्यादा बॉर्डर पिट्स है वो किस में मिलेंगे सीवी सेल्स में वैसल वॉल में कंपेनियन सेल में या फिर सीवी ट्यूब वॉल के अंदर तो बॉर्डर जो पिट्स होते हैं वो मिलेंगे हमें वैसल वॉल के अंदर तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में पूछा गया एन ऑर्गेनाइज एंड डिफ्रेंशिएटेट सेलुलर स्ट्रक्चर हैविंग साइटोप्लाज्मा बट नो न्यूक्लियस इज एक डिफरेंशिएट सेलुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर साइटो है बट न्यूक्लियस नहीं है वो कौन सा होगा वैसल्स जाइलम पैरन कामा सी ट्यूब या फिर ट्रेकिड तो सीवी ट्यूब के अंदर कहीं से कहीं तक न्यूक्लियस नहीं मिलती है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर जो वो ट्वेंटी फोर पूछा गया अब ये काफी ओल्ड क्वेश्चन है नाइनटीन नाइनटी वन से एंगुलर कोलन काइमा अकरिन जो एंगुलर कोलन काइमा वो किस में मिलेगा कुकुर बीटा हेलियंथस एथियना या फिर सेल्विया एथाइया सॉरी तो यहां पर एक किसके अंदर आपका एंगुलर कोलन कायमा मिलेगा तो आप सिंपल अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो अगर आप स्किप करना चाहो तो अभी कर सकते हो ये कुकुर बूटा के अंदर एंगुलर कोलन कायमा हमें मिलती है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पूछा गया कोलन कायमा आकरिन कोलन कायमा किस में मिलेगी हर बेशियस क्लाइंबर में वुडी क्लाइंबर में क्लाइंबिंग स्टेम्स में या फिर वाटर प्लांट्स के अंदर तो याद रख लेना कोलन कायमा जो है वो क्लाइंबिंग स्टेम्स के अंदर हमें देखने को मिलेगी तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में पूछा गया कोलन कैमा अक्कर द स्टेम एंड पेटियल ऑफ ये किसके स्टेम या पेटियोल के अंदर मिल सकते हैं कोलन काया जीरो फाइट्स में मोनोकोट्स में डाइकोट हब्स में या फिर हाइड्रोफाइट्स में तो सिंपल सा आप याद रखना ये मिलेगा हमें डाइकोट हब्स में जहां पे क्लाइंबिंग करने की जरूरत भी पड़ सकती तो Next, है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में पूछा गया कोर कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम आर जो कोर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम वो क्या है पार्ट्स ऑफ सेकेंडरी जामेंट फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ पेरिसाइकल लेट्रल मेरिस्टमेटिक या फिर एपिकल मेरिस्टमेटिक तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाना चाहिए यह क्या है लेटरल मेरिस्टमेटिक है कोर केम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट में पूछा गया सीवी ट्यूब्स आर सूटेड फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड बिकॉज दे जो सी ट्यूब होती है वो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में बहुत ज्यादा हेल्प करती है ऐसा क्यों बॉर्डर पिट्स की वजह से नो एंड वॉल्स बॉर्डर ल्यूमिन परफोरेटेड क्रॉस वॉल या फिर नो प्रोटोप्लाज्म तो एक्चुअल में एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए क्यों क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर ल्यूमिन और परफोरेटेड क्रॉस वॉल्स होती है इसीलिए तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन में पूछा गया है डेथ ऑफ द प्रोटोप्लाजम इज ए प्री रिक्वेस्टिंग फॉर ए वाइटल फंक्शन लाइक डेथ प्रोटोप्लाज्मा जो एक है प्री रिक्वेस्ट है वाइटल फंक्शन कैसा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डेथ ऑफ प्रोटोप्लाजम होना चाहिए ट्रांसपोर्ट ऑफ में ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में एब्सॉर्शन ऑफ वॉटर में या फिर गैसेज एक्सचेंज में तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सेप के अंदर होना चाहिए फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर लास्ट में दिया भी हुआ है

नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी वन में पूछा गया विच मैरिस्टेमेटिक हेल्प इन इंक्रीजिंग गर्थ गर्थ को अगर इंक्रीज करना है तो कौन सा मैरिस्टेमेटिक हेल्प कर सकता है लेट्रल मैरिस्टमेटिक इंटर कैलरी प्राइमरी या फिर एपिकल तो बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाना चाहिए वो कौन सी मैरिस्टमेटिक हेल्प कर सकती है लेटरल हमारे क्वेश्चन नंबर थर्टी टू में पूछा गया ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी इज कनेक्टेड विद दो टूनिका कॉर्पस थ्योरी है वो किसके साथ कनेक्ट करती है रूट एपेक्स रूट कैप शूट एपेक्स या फिर सेकेंडरी ग्रोथ तो ये जो है वो लिंक करती है किसके साथ बहुत आसानी से शूट एपेक्स के साथ में ओके okay. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टीशू सिस्टम और टीशू सिस्टम से हमारे यहां पे पहला क्वेश्चन जो वो टू 2018 में आ चुका है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर जो स्टोमेटा होते हैं ग्रास लीफ में वो होते 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 कैसे होते हैं डंबल शेप होते हैं किडनी शेप होते हैं रेक्टेंगुलर होते हैं बैरल शेप होते हैं प्योर बेस कैसे होते हैं डंबल डम्बल होते हैं आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर में पूछा गया स्पेशलाइज्ड एपिड्रमलल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल और कोल्ड जो गार्ड सेल के बाहर जो स्पेशलाइज एपिडल सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं बुलीफॉर्म लेंटिकल्स कॉम्प्लीमेंट्री या फिर सब्सिडरी सेल तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाना चाहिए प्योर एनसिया सब्सिडरी सेल उनको हम बोलते हैं नेक्स्ट हमारे थर्टी फाइव में पूछा गया वेस्कुलर बंडल इन मोनोकोटलीडन आर कंसिडर्ड क्लोज बिकॉज मोनोकोटलीडन के अंदर जो आपके वेस्कुलर बंडल होते हैं उनको क्लोज बोला जाता है ऐसा क्यों देर आर नो वेसल विद परफोरेशन परफोरेन इज राउंडेड ऑल अराउंड बाय फोम ए बंडल राउंड ईच बंडल या फिर कैम्बियम इज एबसेंट वहां पे कैम्बियम नहीं है तो कोई भी और ग्रोथ नहीं हो पाएगी सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह नहीं हो पाएगी तो कैम्बियम एबसेंट होता है मोनोकोट के अंदर इसी वजह से उनको क्लोज बोला जाता है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्टोमेटल अप्रेचेस नॉट ट्रू स्टेटमेंट बतानी है गार्ड सेल इन वेरिएबिल पॉजेज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया गार्ड सेल्स आर ऑलवेज राउंडेड बाय सब्सिडी सेल एंड स्टोमेटा आर इनवॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज एंड इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल आर भी करेक्ट है ये भी करेक्ट हमसे नोट करेक्ट पूछा गया गार्ड सेलवेज सराउंडेड बाई ऑलवेज नहीं होता है समटाइम्स सराउंडेड बाई सबसिडी सेल्स होता है तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये बी आ जाएगा क्योंकि ये नोट ट्रू है इन करेक्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन में पूछा गया क्लोज वेस्कुलर बंडल लेख जो क्लोज वेस्कुलर बंडल होता है उनके पास क्या चीज नहीं होती है ग्राउंड टिश्यू कंजक्टिव टिश्यू कैम्बियम या फिर पीत तो उनके पास कैंबियम कहीं से कहीं तक नहीं होता है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर थर्टी एट में पूछा गया ग्राउंड टिश्यू इन्क्लूड ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या होता है प्योर एनसीआर बेच डे ओल्ड टिश्यू एक्सटर्नल टू एंडोडर्मिस ओल्ड टिश्यू एक्सेप्ट एपीड्रमिस एंड वेस्कुलर बंडल एपीडर्मिस एंड कोटक्स ओल्ड टिश्यू इंटरनल टू एंडोडर्मस तो ग्राउंड टिश्यू की डेफिनेशन में लिखा गया दट ओल्ड टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मस एंड वेस्कुलर बंडल जो भी होता है उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं ग्राउंड टिशू में इंक्लूड करते हैं तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन में पूछा गया सम वैस्कुलर बंडल आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन बिकॉज दे इस यहां पे बहुत सारे वेस्कुलर बंडल होते हैं उनको ओपन वैस्कुलर बंडल बोला जाता है ऐसा क्यों बोला जाता है ऑप्शन ए दिया गया आर सराउंडेड बाय पेरिसाइकल बट नो एंडोडर्मिस बी दिया गया आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी एंड फ्लोएम की वजह से ऑप्शन सी दिया गया है पोजेस कंजक्टिव टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एंड ऑप्शन डी दिया गया आर नॉट सराउंडेड बाय पेरिसाइकल तो एक्चुअल में यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल होता है उनको ओपन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो कैपेबल होते हैं सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लम को प्रोड्यूस करने के लिए तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो फोर्टी देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास जो वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया गया पे बोला गया गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ ए ए स्टोमेटल द फॉलोइंग फोर बी सी डी आर आइडेंटिफाई तो हमें ए बी सी डी को यहां पे आइडेंटिफाई करना है ओके यहाँ पे ए बी सी डी बताना है कि क्या चीजें हैं और क्या नहीं है ये आपके पास डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पर, पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए के बारे में तो ए क्या है यहाँ पर ए जो है वो एपिड्रमल सेल है ए क्या है यहाँ पर एपिड सेल है तो ये दो ऑप्शन के अंदर हमें दिखाई दे रहा है अगर हम बी की बात करें तो बी क्या है यहाँ पर बी जो है वो सब्सिडरी सेल है ये केवल एक ही जगह लिखा हुआ है बी सब्सिडरी सेल ये बी जो है वो सब्सिडरी सेल है सी की बात करें तो सी जो है वो आपका क्या है स्टोमेटल अप्रेच है ओके और हमारी डी की बात करें तो डी यहाँ पर क्या है ये गार्ड सेल्स से। है ये क्या है गार्ड सेल्स है तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन डी आ जाएगा बिकॉज ए जो वो है वो एपिडर्मल सेल है बी सब्सिडरी सेल है सी स्टोमेटल अपरेचिस है और डी गार्ड सेल्स है ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन में बोला गया ए बार्ले स्टेम वेस्कुलर बंडल्स आर बार्ले स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं अब आपको पता होना चाहिए बारले जो होता है वो मोनोकोट के अंदर आता है क्लोज्ड एंड स्कैटेड होता है ओपन एंड इन रिंग होता है क्लोज एंड रेडियल होता है ओपन एंड स्कैटेड होता है सबसे पहले तो स्टेम में पूछा गया स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कैसे होते हैं स्केटेड होते हैं ये तो आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए उसके बाद यहाँ पे बारले बोला गया वो मोनोकोट होता है तो मोनोकोट के अंदर कोई सेकेंडरी होती है तो वो क्लोज होते हैं तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू में पूछा गया है ए बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल इज करेक्टराइज बाय बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल को कैसे करेक्टराइज करेंगे ऑप्शन दिखा गया फ्लोयम बिंग सैंडविच बिटवीन जाइलम ट्रांसफर स्प्लिटिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल लॉन्गिट्यूड स्प्लिटिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल या फिर जाइलम सैंडविच बिटवीन फ्लोयम इसका मतलब है फ्लोयम बिंग सैंडविच बिटवीन जाइलम का मतलब है जाइलम फिर फ्लोयम फिर जाइलम और जाइलम बिंग सैंडविच बिटवीन फ्लॉयम का मतलब है फ्लोयम फिर जाइलम और फिर फ्लोयम तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर आता है जो बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल बोलते हैं उनको हम बोलते हैं कहाँ पर जहाँ पर आपकी जाइलम जो होती है वो सैंडविच हो जाती है बिटवीन फ्लोइम के अंदर तो यहाँ जाइलम बिंग सैंडविच बिटवीन द फ्लोइम यानी फ्लोइम जाइलम फ्लोइम और ये हमें मिल सकता है किसके अंदर कुकुर बीटा के अंदर जो है ये हमें मिल सकता है क्या बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल देखने को मिल सकता है ओके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटोमी ऑफ डाइकोटलीडेंट्स एंड मोनोकोटेडेंट प्लांट्स और यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुके हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 43 है यही आया हमारा नीट 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए प्लांट शो फॉलोइंग एनाटोमिकल फीचर यानी हमने एक ट्रांसफर सेक्शन लिया प्लांट का जिसके अंदर ही हमारे पास ये चार जो है वो फीचर दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से फीचर है देख लेते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्केटर्ड वेस्कुलर बंडल्स राउंडेड बाय बंडल लार्ज कौन सी ग्राउंड टिश्यू वेस्कुलर बंडल कोंजॉइंट एंड क्लोज्ड, फ्लोएम पेरानकाइम एब्सेंट हमसे पूछा गया है कि यहां पर यह किस कैटेगरी में होगा आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ प्लांट एंड इट्स पार्ट्स पार्ट किस कैटेगरी के, के अंदर होगा मोनोकोटोलीडन स्टेम के अंदर मोनोकोटोलीडन रूट के अंदर डाइकोट स्टेम में या फिर डाइकोट रूट के अंदर सबसे पहले स्केटेड वेस्कुलर बंडल स्केटर्ड वेस्कुलर बंडल हमें कहाँ पे मिलेंगे स्टेम के अंदर मिलेंगे सबसे पहले यह चीज़ याद रहनी चाहिए ये किसके अंदर मिलेंगे हमें स्टेम के अंदर मिलेंगे लार्ज कॉन्सिपिक पैरेंटस ग्राउंड टिश्यू लार्ज कॉन्सिपिक पैरक्राइमेटस ग्राउंड टिश्यू वो किसके अंदर मिलेगा बहुत ही आसानी से आंसर वो, वो किसके अंदर मिलेंगे? मोनो कोटलेडन तो हमारा आंसर आ जाएगा मोनो स्टेम बाकी पोर्शन भी आप देख सकते हो प्योर एनसीईआरटी टी की लाइने जो वो कॉपी पेस्ट की गई है यहां पर ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर जो वो 44 44 देख लेते हैं में पूछा गया द परीव्स कल इन वार्ड ड्यूरिंग द वेरी ड्राई वेदर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रियट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग जो ग्रास लीव्स होती है वो कर्ल कर जाती है इन में जब बहुत ही ड्राई वेदर होता है वो किसकी वजह से टाइलोसिस इन वेसल्स की वजह से क्लोजर ऑफ स्टोमेटा फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स या फिर स्ट्रिंकिंग ऑफ एयर स्पेस इन स्पॉन्जी

फैसिकुलर एंड इंटर फेसिकुलर इनरिंग डाइकोट रूट के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम हमें बताना है कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है तो वो होता है जो टिश्यू लोकेटेड होता है फ्लोयम बंडल के नीचे पेरिसाइकल के अंदर वहाँ पे वो क्या होता है ओरिजिनेट होता है वेस्कुलर कैम्बियम तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो फोर्टी सिक्स कैसपेरियन स्ट्रिप अकर इन स्ट्रिप किसके अंदर मिलेगी एपिडर्मिस पेरिसाइकल एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस तो के अंदर हमें कैसपेरियन स्ट्रिप देखने को मिलती है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछा गया रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ वैसे तो ये मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स का है रूट हेयर डेवलप फ्रॉम कहां से होता है इलोंगेशन रूट के मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी मेच्यून तो जोन ऑफ मेच्युरेशन से जो रूट हेयर डेवलप होते हैं है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नेक्ट हमारे फोर्टी एक्ट में पूछा गया गयाटेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन बिटवीस रीजन किस किसके बीच में मिलेगा एपीडी डर्मिस स्टील में पेरिसेकल एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड पीठ में एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल के बीच में तो सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा वो एपिडर्मिस और स्टील के बीच में हमें क्या मिलेगा कोर्टेक्स रीजन देखने को मिलेगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन में पूछा गया ए मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोकोट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ मोनोकोट रूट का मेजर करेक्टरिस्टिक्स हमें बताना है कि वहां पे क्या चीज प्रेजेंट होती है किसके अंदर मोनोकोट रूट के अंदर विदाउट कैम्बियम कैम्बियम सैंडविच बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम अलोंग द रेडियस ओपन वेस्कुलर बंडल या फिर स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल तो रूट है सबसे पहले स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल तो वहां पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे ओपन वेस्कुलर बंडल हो सकते हैं ओके बट यहाँ पर कैम्बियम सैंडविच बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम अलोंग द रेडियस मोनोकोट रूट के अंदर ओपन वेस्कुलर बंडल नहीं होते हैं क्लोज वेस्कुलर बंडल होते हैं जहाँ पे कैम्बियम नहीं होता है

आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर में पूछा गया वाटर कंटेनिंग इन बंडल आर फाउंड इन वाटर कंटेनिंग बंडल में पे मिलती है? सनफ्लावर में, में साइकस में पाइनस में तो सिंपल याद रखना मेज के अंदर आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट है अगर हम रूट से कंपेयर कर रहे हैं रूट को तो रूट के अंदर क्या मिलेगा more abundant secondary xylem many xylem bundles in conspicuous annual rings have a relatively thicker periderm तो जो आपकी मोनोकोट रूट है मोनोकोट रूट के अंदर बहुत सारे आपको जाइलम बंडल देखने को मिलते हैं पोलियाज कंडीशन देखने को मिलते हैं तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इज पेलीव ऑफ पेली साइड पैरन कायमा किसके अंदर एबसेंट होगी ये पूछा है मस्टर्ड में सोयाबीन में ग्रे में या फिर सोरगम में तो सिंपल सा देखिए यहां पर यह जो मोनोकोट होगी उसके अंदर एबसेंट होगी पहली साइड पेरन क्योंकि वहां पर कहीं पर भी स्पंजी और पहली साइड के बीच में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता है तो आपका सिंपल यहाँ पे मोनोकोट प्लांट कौन सा है सोर्गम जो है वो है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर में पूछा गया द एनुअल एंड स्पायरली थिक एंड कंडक्टिंग एलिमेंट जनरली डेवलप इन द प्रोटोजाइलम प्रोटोजम द रूट स्टेम इज एनुअल एंड स्पायरली थिंक एंड कंडक्टिंग एलिमेंट्स जो प्रोटोजाइलम और रूट और स्टेम के अंदर डेवलप होते हैं वो कैसे होते हैं इलॉगेटेड वाइडनिंग डिफरेंशिएटिंग और मेजरिंग की वजह से तो किसकी वजह से डेवलप होते हैं सिंपल है वो डिफरेंशियसिंग की वजह से डेवलप होते हैं ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव में पूछा गया एनाटोली फेयरली ओल्ड डाइकोट रूट एड डिस्टिंग्विश फ्रॉम द डाइकोट स्टेम रूट और स्टेम के बीच में अगर हमें डिफरेंट करना है डाइकोट के अंदर तो हम किस चीज़ को देखेंगे एबसेंस ऑफ द सेकेंड्री फ्लॉम प्रेजेंस ऑफ कोटेक्स पोजिशन ऑफ प्रोटोजाइलम और एबसेंस ऑफ सेकेंडरी जायलम सिंपल है एंडाच एग्जास्ट कंडीशन यहाँ पर भी बतानी है तो यहाँ पर अगर हमें बतानी है तो वो पोजिशन ऑफ प्रोटोजाइलम की वजह से ही बनती है तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स में पूछा गया पैसेज सेल्स आर थिन वोल्ड सेल फाउंड इन जो पैसेज सेल्स होते हैं वो थिन वोल्ड सेल्स होते हैं और किसके अंदर फाउंड होते हैं किसके अंदर मिलते हैं फ्लोएम एलिमेंट्स दट सर्व एज एंट्री पोजिशन फॉर द सबस्टांस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर प्लांट पार्ट टेस्ट ऑफ सीड टू अनेबल एमरजेंसी ऑफ ग्रोविंग एम्बरिक एक्सेस ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन सेंट्रल रीजन ऑफ द स्टाइल थ्रू विच द पोलन ट्यूब ग्रो टूवर्ड्स द ओवरी या फिर एंडोडर्मिस ऑफ रूट फैसिलेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉटर फ्रॉम द कॉटेक्स टू पेरीसाइकल पैसेज सेल्स एक्चुअल में होते क्या है पैसेल सेल्स थीन वोल सेल्स होते हैं जो कि आपके एंडोडर्मिस के अंदर मिलते हैं जहाँ से कुछ पैसेज हो सकती है तो यहाँ पर हमें ये बताया कि पैसे सेल्स क्या होते हैं तो ये एंडोडर्मीस ऑफ रूट के अंदर मिलते हैं जो कि रैपिड ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प

फोर रेडिकल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन जो फोर रेडिकल पहले तो रेडिकल है रेडिकल किस में मिलता है ये आपको पता होना चाहिए रेडिकल वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो किस में मिल सकते हैं फोर डायकोट रूट में मोनोकोट रूट में डाइकोट स्टेम में मोनोकोट स्टेम में रेडिकल जो होते हैं वो ज्यादातर किस में मिलते हैं रूट के अंदर मिलते हैं अब यहां पर फोर मिले पोलियाज कंडीशन तो है नहीं तो आपको ये बताना है कि ऐसी कंडीशन किस में हो सकती है तो वो डाइकोट के अंदर हो सकती है पोलियाज मोनोकोट के अंदर होती है आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी में पूछा गया वट हैपन इन द प्लांट्स ड्यूरिंग वेस्कुलराइजेशन वेस्कुलराइजेशन के टाइम पे प्लांट्स में क्या होता है डिफ्रेंशियशिंग ऑफ प्रो कैंबियम फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फोम फोलड बाई फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जाइलम डिफ्रेंशिए ऑफ प्रो कैंबियम फोलोड बाई द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फ्लोम एंड Simultaneously, formation of pro cambium primary phloem and xylem simultaneously, differentiating of pro cambium followed by the formation of secondary xylem. सेकंडरी जालम नहीं यहाँ पर हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्रो के अंदर और फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फ्लोम एंड फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जालम करेंगे बट ऐसा नहीं है कि पहले प्राइमरी फ्लोम बनाएंगे फिर प्राइमरी जालम बनाएंगे ऐसा नहीं है बिल्कुल दोनों साइमुलटेनियसली चलेंगे तो डिफरेंशियन ऑफ प्रो कैम्बियम फॉलोड बाई द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फलोइम एंड जालम साइमुलटेसली दोनों एक साथ ये काम चलेगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो सिक्सटी है उसमें पूछा गया कैसपीरियंस जी पार फाउंडन जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है वो किसके अंदर मिलती है एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस पेरिडर्मिस एंडोडर्मिस कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस के अंदर तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो सिक्सटी वन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन में पूछा गया कैस्पेरियन के स्ट्रिप आकर इन कैस्पेरियन स्ट्रिप किस में मिलती है एंडोडर्मिस एक्सोडर्मिस पेरिसाइकल एपिडर्मिस एंडोडर्मिस आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू है यहाँ पे पूछा गया ए प्लांट बियर फ्रूट हैज ए कॉलम ऑफ फेस्कुलर टिश्यू एंड ए टेप रूट सिस्टम दिस प्लांट इज इन यहाँ पे बोला गया कि प्लांट बियर फ्रूट उसके पास फ्रूट है इसका मतलब एनजियसपम है सबसे पहले ये बात होनी चाहिए एज ए कॉलम ऑफ एस्कुलर ट्यूशन टेप रूट सिस्टम तो वहाँ पे टेप रूट सिस्टम है तो ये भी आपको पता होनी चाहिए वो प्लांट कौन सा होगा डाइकोट जिम्नोस्पर्म एं जिम्नस्पेन्ट एं डाइकोट में एं मोनोकोट जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोट तो बहुत ही आसानी से आंसर एनजीपम होगा और डाइकोट होगा क्योंकि टेप रूट डाइकोट के अंदर मिलती है वैसे ऑफ मोरफो फ्लांट आना चाहिए तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारे थ्री में पूछा गया वे डू कैस्पेरियन कैस्पेरियन बैंड किसमें मिलेंगे एपिडर्मिस एंडोडर्मिस पेरिसाइकल फ्लोएम तो बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाना चाहिए एंडोडर्मिस के अंदर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर में पूछा गया है ए मेरो लेयर ऑफ द थिन वर्ल्ड सेल फाउंड बिटवीन द फ्लोइंग बार्क एंड वुड इन ए डाइकोट इज एक नेरो लेयर मिलती है थिन वॉल सेल्स की फ्लोयम और वुड के बीच में वो क्या होगी कॉर कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम एंडोडर्मिस या फिर पेरिसाइकल तो उसको हम बोलते हैं क्या वेस्कुलर कैम्बियम तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी व्हाट इज ट्रू अबाउट मोनोकोट लीफ मोनोकोट लीफ के लिए बिल्कुल ट्रू हमें बताना है कि कौन सा है मोनोकोट लीफ के लिए बिल्कुल ट्रू क्या है क्या रेटिकुलर वेनेशन मिलती है या फिर एब्सेंस ऑफ बुलिफॉर्म सेल फ्रॉम एपिडर्मिस मीजोफिल नो एंड स्पॉन्जी या फिर वेल डिफ्रेंशियटिंग मीजोफाइल तो यहाँ पर देखिए रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होती है बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं वहाँ पर एब्सेंस नहीं होते मीजोफिल नो डिफ्रेंशियटिंग इनटू टू एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा तो यहाँ पर ये जो आपका आंसर लिखा हुआ यह बिल्कुल सही लिखा हो तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स में पूछा गया पेरिसाइकल ऑफ द रूट प्रोड्यूस जो पेरिसाइकल ऑफ द रूट होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है मैकेनिकल स्पोर्ट लेटरल रूट्स वेस्कुलर बंडल या फिर एडवेंटियस बड्स

ट वु डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव राइज़ टू लिव स इनर इज़ से इन कलर डू टू द डिपोजिशन ऑफ टेनिससेट्रट वू इज डार्क इन कलर इन करेक्ट बताइए तो सैपूट जो होता है वो इनर मोस्ट नहीं होता वो आउटर मोस्ट होता है तो यहां पर ये जो इन करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नी ट्वेंटी ट्वेंटी का हमारा क्वेश्चन था प्योर एंड सीआर बेस्ट क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा नी टू थाउजेंड नाइनटीन का क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया पीच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू यहाँ पर भी हमें इन करेक्ट पूछा गया एनुअल रिंग्स के बारे में एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनं ट्रीज ऑफ द टेम्परेट रीजन एनुअल रिंग्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग वुड एंड द ऑटम वुड प्रोड्यूस इन एयर डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम कोज लाइट एंड डार्क बैंड ऑफ टिश्यू अर्ली एंड लेट वुड रिस्पेक्टिवली या फिर एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड अपॉन द वेरिएशन ऑफ द क्लाइमेट सबसे पहले एनुअल रिंग्स जो होती है वो प्रोमिनेट ही होती है टेम्परेट रीजन में जहाँ पे टेम्परेचर बार बार चेंज होता रहता है ओके okay, तो यहां पर ये लिखा है कि नोड प्रोमिनेंट तो ये इनकरेक्ट है तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 71 है और 71 में हमसे पूछा गया है सेकेंडरी जाइलेम एंड इन द डाइकोट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंडरी जाइलम और फलोम जो वो डाइकोट स्टेम में किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है एपिकल मेरिस्टेमेटिक वेस्कुलर कैम्बियम फेलोजन या फिर एक्जनरी मेस्टिमेटिक जाइलम एंड फ्लोइम के बारे में पूछा गया है। वो तो बहुत ही आसानी से आंसर आ चाहिए वैस्कुलर तो कैम्बियम को चीजों को प्रोड्यूस करेगी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी में पूछा गया प्लांट्स हैविंग लिटल और नो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे, कौन से ऐसे प्लांट है जहां पे या तो बहुत ही कम या फिर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है ग्रासिस में डिस्ट्रीड्यूसन जिसमें कोनीफे साइकर्ट्स में तो ग्रासिस के अंदर कहीं से कहीं तक सेकेंडरी ग्रोथ ज्यादा देखने को नहीं मिलती है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी में पूछा गया वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली ग्यूराइज टू वेस्कुलर कैम्बियम जनरली किस चीज को राइज करता है प्राइमरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम पेरेडम या फिर फेलोडम वेस्कुलर कैम्बियम हमसे पूछा गया तो वेस्कुलर कैम्बियम जनरली जो है वो सेकेंडरी जाइलम को ज्यादा बनाता है एज कंपेयर टू

क्वेश्चन नंबर हमारे पास पूछा गया सेवेंटी फाइव और सेवेंटी फाइव में पूछा गया आइडेंटीफाई द रोंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ हर्टवुड हर्टवुड के लिए एक हाईली रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बताने की क्या होगी इट इज हाईली ड्यूरेबल इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल एफिशिएंटली इट कंप्राइज डेड एलिमेंट्स एंड हैविंग लग्निफाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिपॉजिड इन इट

अरलिंग टू द एसेंट ऑफ सेप थ्रू जाइलम वेसल्स। अब जो आपके टाइलोसोल्स होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या हैं? वो बैलून लाइक -like एक्सटेंशन होते हैं पेरनकाइमा के ओके जो क्या करते हैं ल्यूमन के अंदर चले जाते हैं जो आसपास सेल्स होते हैं उनके ल्यूमन के अंदर चले जाते हैं ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए तो यहाँ पर हमसे पूछा कि टाइलोस क्या कहते हैं वो एक्सटेंशन होते हैं पैरन कायमा के पैरन कायमा के जो होते हैं वो एक्सटेंशन होंगे, जो कि वेसल्स जो है उनके अंदर क्या करेंगे थोड़े से प्रोट्रूड हो जाएंगे उनके अंदर घुस जाएंगे चले जाएंगे तो उनको बोलते हैं टाइलोसिस तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है रीड द डिफरेंट कंपोनेंट फ्रॉम वन टू फोर इन द लिस्ट गिवन बिलो एंड टेल द करेक्ट ऑर्डर हमें यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर बताना है कैसा बताना है ऑफ द कंपोनेंट विद रेफरेंस टू देर अरेंजमेंट फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड इन ए वुडी डाइकोट स्टेम एक स्टेम है उसके अंदर अगर आउटर टू तो इनर चल रही है ये इनर साइड होगी या आउटर साइड होगी आउटर टू तो इनर चल रही है तो वहां पर क्या चीज पहले आएगी सेकेंडरी कोटेक्स वुड सेकेंडरी फ्लोएम और फैलम द करेक्ट ऑर्डर क्या होगा तो सिंपल है यहां पर सबसे पहले हमारे पास जो आएगा वो आएगा क्या फैलम सबसे पहले जो आएगा वो आएगा हमारे पास Then, हमारे पास पास देन आएगा सेकेंडरी ओके सेकेंडरी सेकेंडरी के बाद में में हमारे हमारे पास पास आएगा आएगा और फिर वुड क्लियर है तो यहां पर सबसे पहले जो आएगा वो, आएगा, वो आएगा, okay? Then, हमारे पास आएगा ये ओके देन हमारे पास आएगा सेकेंडरी कोटेक्स देन हमारे पास थर्ड में आएगा सेकेंडरी फ्लॉयम एंड फोर्थ में हमारे पास आएगा वुड वुड बिल्कुल इनर साइड होगा हार्ट वुड चाहे बिल्कुल इनर साइड होगा तो सबसे पहले जो फोर्थ है वो बिल्कुल आउटर में है ऐसे हमारे पास दो ऑप्शन है देन हमारे पास जो सेकेंडरी कोटेक्स आना चाहिए वो हमारे पास एक ही ऑप्शन है फिर हमारे पास आएगा सेकेंडरी फ्लॉम एंड वुड तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए ओके नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी में पूछा गया लेंटिकल्स आर इवॉल्व इन लेंटिकल कि इन्वॉल्व होते हैं फूड ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिटन गैसियस एक्सचेंज तो गैसियस एक्सचेंज में होते हैं तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट हमारे सेवेंटी नाइन में पूछा गया एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय एज ऑफ ट्री कैसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं नंबर ऑफ एनुअल रिंग डायमीटर ऑफ इट साइट इट्स हाइट एंड ग्रीथ या फिर नंबर

ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 82 बोला गया है कैम्बियम को एंड सेकेंडरी सेकंड्री कोटेक्सा कलेक्टिवी कोल्ड कोर कैम्बियम कोर्क और सेकेंडरी को कोटेस हम क्या बोलते हैं फेलोडम बोलते हैं फेलोजन बोलते हैं पेरेडम बोलते हैं या फिर फेलम बोलते हैं तो बहुत आसानी से आपका आंसर आ आज प्योर आंसर डिवेस्ट उसको क्या बोलते हैं पेरेडम बोलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर एटी है हार्ट वुड डिफर फ्रॉम द सेट वुड हार्ट वुड जो है वो वुड से किस वजह से डिफरेंस हो सकता है प्रेजेंस ऑफ रेज एंड फाइबर्स एब्सेंस ऑफ वैसा एंड हैविंग डेड एंड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स या फिर टू पेस्ट पैथोजन

प्रो कैम्बियम बनता है तो यहाँ पर वेस्कुल टिश्यू को अगर हमें बनाना है तो आप प्लेरोम आता है ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो वो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया फॉर क्रिटिकल स्टडी ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट वीच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सुटेबल अगर हमें सेकेंडरी ग्रोथ की स्टडी करनी है किसी प्लांट में तो कौन सा पेयर सबसे सूटेबल होगा कौन से प्लांट को सबसे सूटेबल टीक एंड पाइन डियोडर एंड फन वीट एंड मेडर हेयर फन या फिर शुगर कैन एंड सनफ्लावर तो हम सबसे बेस्ट प्लांट कौन से लेंगे हम लेंगे टीक एंड पाइन को लेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो एट्टी सिक्स में पूछा गया डिफ्यूज पोरस वुड्स आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट ग्रोविंग इन डिफ्यूज पोरस वुड जो होती है वो किस प्लांट के अंदर मिलेगी एल्पाइन रीजन के अंदर कोल्ड विंटर रीजन के अंदर टेम्परेचर क्लाइमेट के अंदर या फिर ट्रॉपिक्स के अंदर तो पोरस वुड ज्यादातर हमें कहाँ पे मिलेगी या मिले मिलेगी ट्रॉपिकल रीजन है ट्रॉपिक्स के अंदर ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो होगा एट्टी सेवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन द डायकोट स्टेम डाइकोट स्टेम के अंदर एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ करवाने के लिए कौन सी मेरिस्टेमेटिक रिस्पॉन्सिबल है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इंटरकलरी मेस्टमेटिक फेलोजन या फिर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम

ओके okay, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर एटी नाइन में पूछा गया है एज ए ट्री ग्रो ओल्डर विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज मोर रैपिडली इन द थिकनेस जैसे जैसे एक ट्री जो वो ओल्डर होता जाता है तो उसमें क्या चीज़ ज्यादा बढ़ती है हार्टवुड सेपवुड फ्लोइम या फिर कोटेक्स तो सिंपल आप याद रखना वहां पे हम हार्टवुड ज़्यादा से ज्यादा बढ़ती रहती है क्वेश्चन नंबर नाइनटी पूछा गया है पेरिडम इज प्रोड्यूस्ड बाय पेरिडम किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वैस्कुलर कैम्बियम फेसिकुलर कैम्बियम फेलोजन या फिर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तो जो फेसिकुलर कैम्बियम होता है वो डेवलप करवाता है, ओके सॉरी फेस्कुलर को एम्बियम नहीं यहां पे फेलोजन सॉरी फेलोजन जो होता है वो डेवलप कराता है पेरेडम को ओके तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी बी नहीं आएगा ऑप्शन सी आएगा सॉरी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन है विच एक्सपोज वुड विल डीके फास्ट ऐसी कौन सी वुड है जो कि डीके हो जाएगी बहुत ही फास्ट सेपवुड सॉफ्टवुड वुड विद लॉट ऑफ फाइबर या फिर हार्डवुड तो यहां पर कौन सी जो है वो ज्यादा फास्टली डीके होगी तो सिंपल आपको याद रखना है वो जो डिके गी, वो जो होगी होगी में बोला गया अंदर देखने को मिलेगी ड्रेक्सिना जिंजर व्हीट या फिर सनफ्लावर देखिए मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलती है बट एक एक्सेप्शन यहां पर है वो है आपका ड्रे कैना तो ड्रे कैना जो है उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ मिल सकती है काफी पुराना क्वेश्चन है 1993 नाइनटी थ्री का अब तो एनसीआरटी से बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं आपने देखे हुए रिसेंट में वेस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस वेस्कुलर कैंबियम क्या प्रोड्यूस करता है प्राइमरी ज़ाइलम एंड प्राइमरी फ्लोम सेकेंडरी जायम सेकेंडरी फ्लोम प्राइमरी जैलम सेकेंडरी फ्लोइम सेकेंडरी ऐलम प्राइमरी फ्लोम दोनों के दोनों सेकेंडरी प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी जाले में और सेकेंडरी फाइम तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर नाइनटी फोर में पूछा गया आउट ऑफ द डिफ्यूज पोरस एंड रिंग पोरस वुड विच इज करेक्ट डिफ्यूज पोरस और रिंग पोरस में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है रिंग पोरस वुड कैरीज मोर वाटर फॉर शॉर्ट पीरियड डिफ्यूज पोरस वुड कैरीज मोर वाटर रिंग पोरस पोसवुड कैरीज मोर वाटर वैन द नीड इज वाटर या फिर डिफ्यूज पोरस वुड इज लेस स्पेशज बट कंडक्ट्स वाटर रेपिडली थ्रू आउट करेक्ट हमें बताना है तो जो रिंग पोरस होती है वो ज्यादा वाटर को कंडक्ट कर सकती है जब जब हाइयर नीड होगी तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी अब हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर में पूछा गया कुछ इज फॉर्म फ्रॉम जो कोर्क होता है वो किससे फॉर्म होते हैं फेलोयम से या फिर जाइलम से तो हमारा जो कोर्क होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है किससे कोर कैम्बियम से फेलोजन से तो ये सब कुछ इस वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो साथ तब तक के लिए धन्यवाद